हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार 42 साल से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस मिर्जापुर अहमदाबाद गुजरात में कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाक में से निकलते खून के बारे में। ये एक नाक या दोनों नाक में से निकल सकता है, इसे एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, किसी को भी ये तकलीफ हो सकती है। नाक के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है और आर्टेरियोल्स के 5 सर्कल बना के एक प्लेक्सस बनाते हैं। ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से नाक में से ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा रहती है। ज्यादा ब्लीडिंग से कमजोरी, चक्कर, हेडेक, सांस में तकलीफ हो सकती है। ये डार्क ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है। नाक के आगे के भाग से निकलने वाला खून नाक से बाहर निकलता है। 90% केस में ये होता है। नाक के पीछे के भाग से खून गले में जाता है और 10% केस में ये दिखता है। नाक में से ब्लीडिंग, कोल्ड, एलर्जी, इरिटेशन, छींकने से, साइनस प्रॉब्लम से, ठंडी और ड्राई हवा से, नाक को ब्लो करने से, अंदर चोट आने से, एक्सीडेंट होने से, फॉरेन बॉडी अंदर होने से, डेविएटेड नेजल सेप्टम में, ऑक्सीजन कैन्यूला की इंजरी से, नाक के अंदर के ट्यूमर से, हेड इंजरी से, खून पतला करने की दवा चलती हो तो इससे, हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर और बच्चों में ITP से ये हो सकता है। इसकी तपास सरल है। हिस्ट्री टेकिंग, नेजल एग्जामिनेशन, नेजल एंडोस्कोपी, खून में ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करना पड़ता है। रेयरली CT स्कैन या MRI से डायग्नोसिस कंफर्म करना पड़ता है। ब्लीडिंग चालू हो तब दर्दी को नीचे बिठा दे और आगे झुककर बैठे, उसको सुलाने का नहीं, वरना ब्लड अंदर चला जाएगा। नाक के सॉफ्ट पार्ट को दोनों उंगलियों से पिंच करके दबाकर 8 से 10 मिनट बैठे रहे, ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाएगा। नाक के ऊपर आइस या तो कोल्ड स्पॉन्जिंग रखे। ब्लीडिंग चालू हो तब मुंह से धीमे धीमे सांस ले। नाक से सांस लेने से अंदर प्रेशर बढ़ेगा और ब्लीडिंग बढ़ेगा। बच्चा अगर छोटा है तो रोना बंद कराए, इससे ब्लीडिंग ज्यादा होगा। 2 लेग के बीच हेड ना रखे, मुर्गा ना बनाए, इससे बेहोशी हो सकती है। नाक को ब्लो ना करे, इससे प्रेशर बढ़ने से और ब्लीडिंग होगा। छींकते समय मुंह को खुला रखे, नाक के अंदर और कुछ ना डाले, सिर्फ सलाइन स्प्रे करे। चालू ब्लीडिंग में पैनिक ना करे, डरना नहीं, इससे BP बढ़कर कोएगुलेशन लेट होगा। धूप में बच्चे को लेकर बाहर ना घूमे, गर्मी में ब्लीडिंग ज्यादा होगा। जमा हुआ ब्लड हाथ से ना निकाले, इससे फिर ब्लीडिंग होगा। BP की दवा अचानक बंद ना करे, BP अचानक ज्यादा बढ़ने से ब्लीडिंग चालू हो जाएगा। पोटी में ज्यादा जोर ना लगाए, इससे ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है। कमरा ड्राई ना रखे, इसके बदले वेपोराइज्ड एयर कमरे में डालते रहे, क्योंकि नाक की अंदर की त्वचा ड्राई होगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगा। दोस्तों, अगर ब्लीडिंग 20 मिनट से भी ज्यादा चालू रहे तो पेशेंट को तुरंत ENT सर्जन के पास ले जाए, वो नेजल पैक अंदर डाल के ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे। दोस्तों, इस तरह अगर आप ये सब सूचनों का पालन करेंगे तो नाक का ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें रेयरली ये बीमारी जानलेवा होती है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको ऐसी नई जानकारी वाली वीडियो देखने को मिलती रहे। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी प्रश्न हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं।